चर्चहिल में कश्ती उलट गई। हादसे में मुतअद्दिद अफराद डूब गए। इलाका मकीनों ने 9 अफराद की लाशें निकाली, 5 ताहर लापता। चीफ सेक्रेटरी सिंध सैयद मुमताज अली शाह का वाकये का नोटिस, रिपोर्ट तलब कर ली। जाँ बहक होने वालों में 2 सगी बहनें भी शामिल। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा सऊदी अरब पहुंच गए। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात, दोनों रहनुमाओं के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ के हमरा ICI के सरबराह जनरल फैज हमीद भी गए हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की जमानत पर सवाल उठा दिए। बज़ाहिर इस अदालत के फैसले की हद तक मुल्ज़िम इश्तिहारी हो चुका है। 8 हफ्ते की जमानत का क्या स्टेटस है? क्या नवाज शरीफ की वो जमानत खत्म हो चुकी है? चीफ जस्टिस अथर मिनुल्ला के रिमार्क्स। तोशाखाना रेफरेंस में आसिफ जरदारी एहतसाब अदालत में पेश, समाअत 9 सितंबर तक मुलतवी। आसिफ जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। समाअत के दौरान बिलावल भुट्टो जरदारी और आसफा भी मौजूद। समाअत से कबल बिलावल ने पार्टी रहनुमाओं को कमरे अदालत से बाहर निकाल दिया। अदालत ने नवाज शरीफ को बाजरिया इश्तिहार तलब कर रखा है। एहतसाब अदालत के गिर्द सख्त सिक्योरिटी पर बिलावल भुट्टो जरदारी सीख पा, कहा आज फिर से इस्लामाबाद को शरगमाल बना दिया। कारकुनों को अदालत तक आने से रोक दिया गया। आसिफ जरदारी के वकला को भी अदालत जाने में मुश्किलात का सामना रहा। क्या किसी आजाद रियासत में ऐसा होता है? आपको क्या खौफ है? आवाम से क्या छुपाने की कोशिश की जा रही है? चेयरमैन पीपल्स पार्टी की एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगु। कुछ भी कर लें, लूटी दौलत वापस ही करना होगी। मुराद सईद का बिलावल भुट्टो जरदारी को जवाब, कहा इनकी सियासत का महवर महज अपनी चोरी बचाना है। हिसाब देने के लिए बुलाया जाए तो कोई कारकुनों को ढाल बना लेता है, तो कोई इदारों पर हमला आवर होता है। पार्लियामेंट से ये भाग निकलते हैं। फयाजुल हसन चौहान कहते हैं बिलावल अवाम को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। सिंध के आका बने जरदारी खानदान के सपूत के मुंह से इंसानी हकूक की बातें अच्छी नहीं लगती। अपने वालिद से पूछें कि दौरान इक्तदार बेनजीर भुट्टो शहीद के कातलों को पकड़ने के लिए क्या किया। इन्हें अदालतों के सवालात चुभ रहे हैं। सिंध हमारी मां, टुकड़े करने की इजाजत नहीं, कोशिश हुई तो सामने खड़े हो जाएंगे। वजीर आला मुराद अली शाह का दबंग ऐलान, सिंध के इख्तियारात के साथ किसी को छेड़छाड़ नहीं करने देंगे। जिसके जहन में फतूर है वो इसे निकाल दे। कराची पूरे मुल्क को चलाता है। अदालती अहकाम के बाद विफाकी वुज़रा से मुलाकातें की। वजीर आला सिंध की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। और सिंध हाई कोर्ट ने शुगर इंक्वायरी कमीशन और इंक्वायरी रिपोर्ट कल अदम करार दे दी। मिल्स मालिकान की दरख्वास्त मंजूर, मुतल्लिका इदारों को चीनी की किल्लत और कीमतों में इजाफे से मुतल्लिक आजादाना नई तहकीकात करने का हुक्म।